अडानी हिंडनबर्ग मामले की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई। केंद्र सरकार के हलफनामा पर अदालत ने दिया बड़ा आदेश। अडानी हिंडनबर्ग केस में शुक्रवार को सुप्रीम सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को झटका भी लगा। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कमेटी के सदस्यों के नाम के सुझाव को लेकर जजों को सीलबंद लिफाफा सौंपा। सॉलिसिटर ने कहा कि हम चाहते हैं कि सच सामने आए, लेकिन बाजार पर इसका असर न पड़े। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के सुझाव को स्वीकार करने से साफ इनकार किया। अदालत ने कहा कि सीलबंद लिफाफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहती है ताकि पक्षपात के आरोप नहीं लगे। अदालत खुद कमेटी के नाम का सुझाव देगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के सिटिंग जज को कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। हम कमेटी की नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं। हम निवेशकों के साथ पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं। अदालत सीलबंद लिफाफे में सरकार के सुझाव को स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिका में उच्चतम न्यायालय के किसी मौजूदा जज की देखरेख में जांच का अनुरोध किया गया है। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी वेबसाइट पर 24 जनवरी को अंग्रेजी में एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट का शीर्षक था, अडानी समूह कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कारपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। इस रिपोर्ट की शुरुआत में बताया गया कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2 साल की जांच की। इससे पता चला कि अडानी समूह भारत में शेयरों से छेड़छाड़ और अकाउंट में धोखाधड़ी कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि अडानी समूह के फाउंडर गौतम अडानी हैं। उन्होंने $120 बिलियन की संपत्ति जमा की। इसमें $100 बिलियन केवल पिछले 3 सालों में ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयरों में तेजी से आए हैं। इस दौरान कंपनियों के शेयरों में 819% की बढ़ोतरी हुई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। अडानी समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग, शेयरों से छेड़छाड़, शेयरों की ओवर प्राइसिंग, अकाउंट में हेरा फेरी जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इसके बाद भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट जारी करके अडानी समूह के जवाब पर तगड़ा पलटवार किया था। शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा था कि अडानी ग्रुप अपनी उन स्कीमों को प्रमोट करके शेयर मार्केट को कंट्रोल कर रही थी जो फ्रॉड है। रिपोर्ट्स में अडानी ग्रुप की कंपनियों को 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड भी बताया गया। हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियां कर्ज में डूबी हैं, जिसके चलते ग्रुप पर बड़ा संकट है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम हो गए थे। इस पूरे मामले में मोदी सरकार का भी बयान आया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी बयान देते हुए कहा था कि उन्हें देश की एजेंसियों पर भरोसा है, मामले की सही दिशा में जांच हो रही है। इन सब के बीच अडानी हिंडनबर्ग मामला उच्चतम न्यायालय में भी पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीलबंद लिफाफा लेने से इनकार कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।